आज उत्समा किसके कहने पे वहाँ पे गई, किस कितने पैसे लेके गई, ये पूरी कम्युनिटी के ऊपर जो है उन्होंने तो मतलब कोई चुप नहीं बैठे, सब लोगों में रोष है। आज हर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आगे आज दिन भी प्रोटेस्ट हो रहा है। जो बड़े बड़े नेता बने रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, राजकुमार माथे हम यही बोलना चाहते हैं कि कविंदर गुप्ता को माफी मांगनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहते हैं कि आपकी पार्टी में एक ऐसा इंसान है जो राजपूतों से नफरत करता है, राजपूतों के खिलाफ बोल रहा है, शर्म बोल रहा है, और आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उल्टा उसकी प्रमोशन करके हमें राजस्थान भेज दी है। हम यही अपील करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राजपूत लीडर बैठे हुए हैं उनसे ये अपील करते हैं कि कविंदर गुप्ता को प्रेशराइज किया जाए और माफी मांगने मजबूर किया जाए, वरना जो आने वाले दिनों में जो प्रोटेस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी किए जाएंगे। बंदे खड़ा को माफी मांगी ली उन्हें, कोई माफी नहीं मांगी दी है, कोई माफी नहीं मांगी दी है। शासक को आखने की जिंदे कविंदर गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, माफी नहीं मांगता है, इन देर तक चुप नहीं बोलना। ये छड़ा माफी मांगने वास्ते या कोई और भी डिमांड्स ने, उसके वास्ते भी है प्रोटेस्ट, ये छड़ा माफी मांगने वास्ते प्रोटेस्ट है या और भी कोई डिमांड है? ये फिलहाल वन पॉइंट एजेंडे पे सारी हुआ है कि माफी मांगा। यहाँ पर आज गिराव करने पहुंचे, क्या कह रहे हैं? यही कहना चाहेंगे कि कविंदर गुप्ता को माफी मांगो। कविंदर गुप्ता ने जो राजपूत कमेटी में वोट की है उसकी सारी बिरादरी वोट हुई है, और यही हमारी अपील है, बात है आपसे सारी अपील है कि कविंदर गुप्ता को बोला जाए कि माफी मांगे। जनता पार्टी के जो राजपूत लीडर है करो अपने बीट जी। देखिए हम लोग चाहते हैं कि जो राजपूत सभा, जहाँ की राजपूत सभा बोली गई पूर्व डिप्टी सीएम के मुंह, राजपूत सभा किसके कहने पे वहाँ पे गई, किस कितने पैसे लेके गई, ये पूरी कम्युनिटी के ऊपर जो है उन्होंने तोहमत लगाई है, जिसके चलते हमारे पूरे कम्युनिटी के लोगों के अंदर रोष है। हम नहीं चाहते कि पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के डिप्टी सीएम है, उन्हें किस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट कर दिया, ये हमें काफी रोष है। और हम चाहते हैं कि आन मीडिया पूरी राजपूत कम्युनिटी के सामने वो माफी मांगे और हमें भी कुछ राहत मिलेगी। वाकया वो हमारे पूर्व डिप्टी सीएम थे, अगर वो नहीं मांगेंगे तो जम्मू कश्मीर के तमाम हमारे राजपूत भाई जो है वो रोडों पे आएंगे और इनके खिलाफ नारे प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर फॉर्मर जो प्रधान है राजपूत सभा के, या मौजूदा प्रधान है, तो ये राजपूत युवा है, ये पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता के घर के बाहर ये प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इनको यहाँ पर रोका हुआ है। और ये काफी आक्रोशित ये राजपूत युवा है, पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता की तरफ से एक बयान दिया गया था, उन्होंने युवा राजपूत सभा को लेकर एक टिप्पणी की थी और उसी से ये आते हैं। क्या है आपकी? देखिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, कविंदर गुप्ता जी ने जो डोगरों का अपमान किया है, राजपूत समाज का अपमान किया है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कविंदर गुप्ता को गुटरों के बल कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ेगी, तब जम्मू का टोकरा छोड़ेगा, अदरवाइज खा भूल जाए। अगर 3 महीने पार्टी से सस्पेंड किया था विक्रम रंधावा को, जो पाकिस्तान के मैच हारने के ऊपर टिप्पणी की थी, नारे लगाए थे एंटी नेशनल, उनके ऊपर टिप्पणी की थी, क्या डोगरों का अपमान किया है? क्या पार्टी कविंदर गुप्ता को सस्पेंड कर सकती? क्या वो माफी नहीं मांग सकते? अब डोगरों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर नारेबाजी हो रही है पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता के खिलाफ, यहाँ पर प्रदर्शनकारी भटके हुए हैं और ये कविंदर गुप्ता के घर के बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने इनको यहाँ पर रोक
रोका हुआ है। हालांकि गिनती में काफी इनकी जो संख्या है वो काफी कम है, कोई बहुत ज्यादा ये प्रदर्शनकारी नहीं है, लेकिन पुलिस बल यहाँ पर काफी ज्यादा तैनात है। मीडिया कर्मी ये काफी यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में, और प्रोटेस्टर्स की अगर बात करें तो ये चंद प्रोटेस्टर्स हैं जो कविंद्र गुप्ता जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं उनके घर के बाहर ये जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको यहाँ पर पुलिस ने रोका हुआ है। इन प्रदर्शनकारियों का यही कहना है कि पिछले दिनों पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने जो बयान दिया था और उससे उनके बयान से ये काफी आहत है। ये कविंद्र गुप्ता पर आरोप लगा रहे हैं कि कविंद्र गुप्ता ने उनके समुदाय के लोगों का अपमान किया है और उन्होंने डोगरों का अपमान किया है, तो उसी के मद्देनजर ये प्रदर्शनकारी ये कविंद्र गुप्ता से माफी मांगने की ये मांग कर रहे हैं, और एक पुतला भी इन्होंने लिया हुआ है यहाँ पर। देखिए ये प्रदर्शनकारियों ने एक पुतला लिया था, लेकिन पुलिस ने वो पुतला छीन लिया है प्रदर्शनकारियों से। प्रदर्शनकारी पुतला जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है उनको पुतला जलाने से रोक रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये प्रदर्शनकारी जो है वो पुतले को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने पुतला उनसे ले लिया है। और देखिए कविंद्र गुप्ता के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, हालांकि ये प्रदर्शनकारी चंद ही हैं, ज्यादा संख्या पुलिस की है, ज्यादा संख्या यहाँ पर मीडिया कर्मियों की है। कविंद्र गुप्ता को नाक पकड़ कान पकड़ के गुटों का बल, जब माफी मांगने पड़ेगी जम्मू का डोगा बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी की शायद बीजेपी की चाल है, और जब बीजेपी के अंदर राजपूत समाज के लोग हैं उनको भी प्रश्न डालना चाहिए, क्योंकि ये तानाशाही है, तानाशाही है। ये पुलिस लेके भागे पुतला, कविंद्र गुप्ता को पुलिस लेके भागे पुतला, कविंद्र गुप्ता का लेके हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जम्मू के डोगरे हैं, डोगरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवा राजपूत सभा के गए थे लोग माफी मंगवाने, नहीं मांगी तो आप देखेंगे डोगरों मंगवाएगा माफी, लोग क्यों नहीं मंगवा पाए। देखिए वो उनकी उनकी बात हमसे करें वो जाने, लेकिन हम डोगरों के साथ जम्मू के लोगों के साथ जब तक कविंदर गुप्ता माफी नहीं मांगेंगे तब तक माहौल खराब होगा। जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी और कविंदर गुप्ता, क्या वजह है, क्या इलेक्शन पे इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, भाजपा के लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे गेट के। अब भाजपा के जो अपमान डोगरों का कर रहे हैं, लोगों का कर रहे हैं, जनता का कर रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए हम जय माफी मांगे छोड़ेंगे। आज का दिन क्यों चुनाव प्रदर्शन, क्योंकि आज का कविंद्र गुप्ता है आएंगे, तो अपडेट करो कविंद्र गुप्ता आएगा, कान पकड़ के माफी मांगेगा, गुटरों के बल माफी मांगेगा। ये जम्मू के डोगरों की ताकत है, अब डोगरा बताएगा। ये डोगले हम बाहर के आके जहाँ डोगरों का अपमान करेंगे, नहीं बता किया जाएगा। जो पहले नहीं मांगे वो अब मांग पाएंगे? बिल्कुल मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे। पुलिस को लेगी, देखिए वो पुलिस जानती है किसी पुतला लेके गई है, जब पुलिस का बनता नहीं है। क्या पुलिस को कविंद्र गुप्ता से प्यार है? क्या कविंद्र गुप्ता से प्यार है? कविंद्र गुप्ता ने डोगरों का अपमान किया है, कहीं तो कहीं इसमें शराल जी साहब का भी है, कहीं तो कहीं कविंद्र गुप्ता को बजाना शराल जी साहब का भी है, क्योंकि उनकी वजह से पुलिस उनकी अंडराजी है। क्या कविंद्र गुप्ता की अंडराजी है? पुलिस कविंद्र गुप्ता का पुतला लेके भाग गए भाई। आज का दिन क्यों चुना कविंद्र गुप्ता घर पे नहीं है? देखिए कविंद्र गुप्ता हम हमारा प्रोटेस्ट था, हमने डिसाइड कर वो होता है आपको भागी हो, वो ये कहाँ है? आपको इतने दिन क्यों लगे? हम देखिए मेरी बात, पहले हम महाराजा साहब की छुट्टी मनाने में थे, उसके बाद हमें भी रास्ते में रोका गया। फ्री नहीं हुए महाराजा छुट्टी बनाने में, हम बड़ी दूर से बनाई थी, हम माहौल खराब करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब तक कविंद्र गुप्ता माफी नहीं मांगेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उसका फायदा ही क्या, जो व्यक्ति घर पे नहीं वो व्यक्ति नहीं है तो प्रदर्शन। देखिए कविंद्र गुप्ता को छुपाया गया है, जैसे पुतला लगे बागी है ना, ऐसी तरह छुपाया गया है। हम जाने वाले नहीं, हम बैठेंगे। आपको कविंद्र गुप्ता माफी नहीं मांगेंगे।
हटने वाले नहीं है। आपको लोगों का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा? पांच छह तो प्रदर्शनकारी यहाँ पर ज्यादा संख्या मीडिया की है या पुलिस लगाएगी या पुलिस ताकत है? हर जगह रोका है, सभी पुल के ऊपर देखे, सुदवारी में देखा, हर जगह रोका गया है। हमें भी रोकने की कोशिश की लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। हम जम्मू के डोगरों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब तक हम जिंदा है कमिंदर गुप्ता को माफी मांगनी पड़ेगी, कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। ये नहीं चलेगा। और भाजपा के अंदर जो राजपूत समाज के लोग बैठे हैं उनसे भी सवाल बनता है, क्या कमिंदर गुप्ता राजपूत समाज का अपमान करे, डोगरों का अपमान करे? आप बिकी बिल्ली की तरह वहाँ बैठे हैं। युवा रायपुर सभा आवाज उठा रही थी माफी को लेकर, तब आप लोग कहाँ थे? तब क्यों समर्थन में उतरे सड़कों पे? हम उनके साथ है, वो अंधेरे में रात में कुछ चले गया किसी के घर, हम घर जाने वाले नहीं है, हम शेरों की तरह बाहर आए हैं। वो राजपूत सभा की बात राजपूत सभा से आप करें तो वो बेहतर जानते हैं। मीटिंग से पहले की बात कर रहा हूँ, मीटिंग से पहले आप साथ में क्यों नहीं खड़े थे? हम साथ में थे, कहाँ देखे सड़कों में? हम टोल पे थे, सड़कों पे थे, हर जगह थे। अभी आप राजपूत सभा का समर्थन कर रहे हैं? हम राजपूत सभा डोगरों के साथ हैं। अगर सभा आई सभा को भी यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि डोगरों का काम है। अगर राजपूत सभा डोगरों की बात करती है तो फिर आज भी आना चाहिए उनको। कभी कोई संगठन कोई संस्था के माध्यम से कर रहे हैं? लोगों के साथ है, जम्मू की जनता के साथ है। हम डोगरे हैं, डोगरों की बात है, जम्मू के नौजवान है, जम्मू की बात करेंगे भाई। अभी इसके लिए अलग संगठन बनाना पड़ेगा क्या? समर्थन आपका युवा राजपूत सभा को है डोगरों का? हम डोगरों के साथ है, युवा राजपूत सभा को दिया था। आज मुझे यहाँ दिखता नहीं कोई युवा राजपूत सभा का, तो मैं तो अभी पहुंचा हूँ, मुझे मिला नहीं है। लेकिन हम जम्मू के डोगरों के साथ है, जम्मू के साथ जो भेदभाव करेगा हम उनके खिलाफ खड़े होंगे, खुदा भी भूखेंगे। और बड़ा